राजस्थान की लड़ाई को अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान की सियासत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। राज्यपाल भी कांग्रेस के हमले को लेकर एक्शन की तैयारी में है। कल कलराज मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम अशोक गहलोत अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्र के माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला भी दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान की सियासत में आज का दिन बड़ा अहम होने वाला है। एक ओर जहां स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे देश के राजभवन का घेराव कर जंग को बड़ा करने के लिए तैयार है।